हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कलरफुल थीम्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ कुछ अमेजिंग कलरफुल थीम्स जो आप अपने किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में बहुत ही इजी तरीके से अप्लाई कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। जी हाँ दोस्तों, आपने वीडियो के इंट्रो के पार्ट में भी देखा होगा, काफी आपको अमेजिंग थीम के मैंने लगा रखे हैं और यहाँ पर आपको और भी थीम्स देखने को मिल जाती है। अगर आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस के पुराने थीम से परेशान हो गए और उसमें कुछ चेंज करके अपने फोन को एक नया लुक देना चाहते हो तो आप इन थीम्स को जरूर ट्राई करना, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री होने वाली है। तो किस तरीके से करना है सब आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं, तो बस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल और अमेजिंग हो सकता है। तो वीडियो में बने रहना एंड तक, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो अभी आप देख पा रहे हो कि मेरे मोबाइल पे अभी ये नॉर्मल थीम लगा हुआ है जो मेरे फोन में ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको मैं कैसे चेंज करूंगा वो आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, और सेम टू सेम आप भी ऐसे ही कस्टमाइज कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमको जाना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे। जैसे आप अपने फोन के प्ले स्टोर पे जाओगे तो वहां से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, जिसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगी। तो इसको हमने इंस्टॉल करने के बाद करते हैं ओपन, और जैसे हम यहाँ पर ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद हमसे कुछ परमिशन पूछेगा, तो एग्री टू यूज पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ थीम्स ये दिखाएगा। तो जनरली अभी आप नॉर्मली आपको कोई भी थीम अभी कर लेना है सेलेक्ट यहाँ से, ठीक है। जैसे मैं अभी यहाँ पर कोई भी थीम, मान लो चलो पहला ही थीम यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इस पर सेलेक्ट करके मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आपसे आइकन्स वगैरह के शेप्स पूछेगा, तो यहाँ से आप देख सकते हो इनको चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, किस तरीके से आपको कस्टमाइज करने हैं। मैंने हार्ट की शेप में कस्टमाइज कर दिए, और यहाँ से मैं एंटर लॉन्चर पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आपको डिफॉल्ट सेटिंग पर खुलेगा, सेटिंग वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से चूज कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से नॉट डोंट आस्क अगेन पे और कलर लॉन्चर पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद अब ये आपके एंड्रॉइड डिवाइस में आप देख सकते हो इंस्टॉल हो चुकी है बिल्कुल ये वाली थीम, और आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी अमेजिंग लग रही है, और ये 100% वर्किंग है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो सिंपली आपको क्या करना है, इसी वाले ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। यहाँ से दूसरी जो भी थीम आपको अच्छी लग रही है सिंपली आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से अप्लाई कर देना है, इतना ही करना है। और आप इसको बहुत ही आसानी से देखो, अभी एक सेकंड का होल्ड हो गया, अभी चेंज हो जाएगी, कस्टमाइज होगी अपने आप ही। अब यहाँ से आपका ये पूरा एप्लीकेशन स्टेटस बार खुल गया, ये आपका होम पेज हो गया इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको और भी चेंज करनी है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको और भी थीम्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो कुछ यहाँ पर आपको पेड थीम्स भी देखने को मिल जाएंगी, अगर आप इसका पेड वर्जन लेना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करके इसका पेड वर्जन भी ले सकते हो। यहाँ पर आपको और भी थीम्स पेड वर्जन में देखने को मिल जाएगी, और उसके साथ साथ यहाँ पर आप अपने हिसाब से थीम वगैरह को कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको काफी सारे पैटर्न देखने को मिल जाएंगे, तो एक पैटर्न कोई सा भी आपको पैटर्न पे से क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ये पैटर्न आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ स्टिकर्स देखने को मिल जाएंगे कि अगर आपको कोई स्टिकर लगाना है सिंपली यहाँ से आपको क्लिक करना है, उस स्टिकर्स को आप अपने हिसाब से जहाँ पर भी सेट करके अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। और भी अगर आपको स्टिकर लगाना है सिंपली आपको क्लिक करना है ये स्टिकर वाले सेक्शन पे, और यहाँ से आपको और भी स्टिकर नीचे देखने को मिल जाएंगे। जैसे आपने ये स्टिकर लिया और आपने इसको यहाँ पर सेट कर दिया, इतना करने के बाद आपको सेट एज अ वॉलपेपर क्लिक करके पैरालॉक्स वाले वॉलपेपर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे तो अब ये आप यहाँ पर अप्लाई कर दोगे, तो अब आप देखोगे तो ये आपकी एक अलग सी थीम बन गई है। तो इस तरीके से आप अपने जनरली नॉर्मली और भी थीम्स वगैरह को बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। आप देखोगे तो ये आप ये होम पेज पे आ गए, आपके यहाँ पर आपकी थीम अलग से क्रिएट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप इसको थीम्स को भी क्रिएट कर सकते हो, और यहाँ जो इसके अंदर जो थीम्स है उसको भी आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। दोस्तों इस तरीके से आप अपने किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस की थीम्स वगैरह को कस्टमाइज कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस लाता रहता हूँ, तो मैं मिलता हूँ एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।